बहुत सारे लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि एक्चुअली फिजिक्स बहुत वाइड है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि सब खत्म हो जाता है, चीजें भूल जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, नीट वालों के लिए सबसे छोटा सब्जेक्ट फिजिक्स है। कैसे भाई? बाकी सब में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिक्स में कुछ 40-50 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमारा अच्छा कमांड है, तो बाकी चीजें उन्हीं की मदद से निकलती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कूलाम्स लॉ एक कॉन्सेप्ट है, बायो सेवर्ट लॉ एक कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉज में फर्स्ट लॉ एक कॉन्सेप्ट, सेकेंड लॉ एक कॉन्सेप्ट, वेक्टर अप्रोच, वेक्टर एडिशन एक अप्रोच है। अगर अलग अलग टुकड़ों में हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नए कॉन्सेप्ट्स को जनरेट कराने के लिए। और नए कॉन्सेप्ट जनरेट कराना या नई प्रॉब्लम को ट्रैक करना कहीं ना कहीं इन्हीं की मदद से होता है, इन्हीं मेन कॉन्सेप्ट की मदद से होता है, नए चीजें निकलती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जी का टॉपिक है, तो इसमें एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट तो इस टॉपिक में एंटर करता है, कूलम लॉ, और यही एक मेन कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो कूलम लॉ की मदद से ही जनरेट हुआ एक टर्म है। और अगर हम एक चार्ज की वजह से ई जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ई कैसे आना है उसको ट्रैक करने के लिए या तो वेक्टर, या तो इंटीग्रेशन, या तो दोनों यूज करके हम किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, नए क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट कूलम लॉ, वेक्टर एडिशन एंड इंटीग्रेशन। अभी बात आती है पोटेंशियल जी वाला टॉपिक, तो पोटेंशियल जी वाले टॉपिक से पहले कि हम मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी और विघटन की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं उसी टॉपिक का कॉपी पेस्ट पोटेंशियल जी में है, बस एक नई बात है। क्या? एफ इक्वल टू क्यू ही होता है, एफ इक्वल टू क्यू ही होता है। ये नई बात यूज करके, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट यूज करके ये पूरा टॉपिक एंड हो जाता है और सारी प्रॉब्लम इन्हीं मेन कॉन्सेप्ट के इधर उधर घूमती है। इन मेन कॉन्सेप्ट से कुछ सब कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं, तो अगर वो फ्लो हम समझ जाएं कि कैसे मेन कॉन्सेप्ट से सब कॉन्सेप्ट का फ्लो है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक उतना ही छोटा नजर आएगा जितना मुझे फिजिक्स छोटी नजर आती है। ज्यादातर वीडियोस में मैं कोशिश करता हूं कि ये स्ट्रक्चर में सबका क्लियर करूं, तो अभी ज्यादातर लोग अपनी प्रिपरेशन में बिजी हैं, तो प्रिपरेशन अपनी करते रहें, जितनी फिजिक्स में क्लासरूम में आके डाउट के थ्रू जैसे भी मेरा मदद लेना चाहते हैं ले सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, ऑल द बेस्ट।